नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पर ये तो स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की राजनीति में अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो मोदी सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार के फैसले के बगैर, नीतीश कुमार की सहमति के बगैर वो केंद्र में मंत्री बने थे और वहीं से इन दोनों के बीच में तनातनी शुरू हुई थी, जो आखिर में ये खत्म हुआ है। आरसीपी सिंह के लिए ये चिट्ठी, जिस चिट्ठी में, जो पत्र हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे आरसीपी सिंह ने अकूत संपत्ति अर्जित की और उसमें जमीन के बारे में जिक्र है। न सिर्फ जमीन के बारे में जिक्र है बल्कि एफिडेविट में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, खामियां हैं और कमियां हैं, उनको भी उजागर किया गया है और उसके ही जरिए ये कारण पूछा गया है कि पार्टी को ये जवाब दें कि आखिर आपने जो कुछ भी ये तथ्य आपके सामने लाए गए हैं उस पर क्या आपकी सफाई है। क्या आरसीपी सिंह इसकी सफाई पेश करेंगे, क्या जेडीयू इसका इंतज़ार करेगी सफाई का, या फिर कार्रवाई के लिए जो तैयारी की गई है इसकी पृष्ठभूमि जो है वो हम बता दें कि 26 जुलाई को जो नालंदा के प्रदेश अध्यक्ष, जिला के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दो लोग थे, उन लोगों ने रहुई से उन लोगों ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के बाद उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लिखा गया और प्रदेश अध्यक्ष ने आज यानी 4 तारीख को, ये 4 तारीख की चिट्ठी है, 26 जुलाई से शुरू हुई और 4 अगस्त को जा करके चिट्ठी जारी की गई है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि रामचंद्र बाबू आप स्पष्ट करें, आप बताएं जो आप पर आरोप लगे हैं उस पर क्या कहना है। लेकिन ये तो कहानी है, जो चिट्ठी है वो बयां कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर के, न सिर्फ आरसीपी सिंह बल्कि इसमें लिपि सिंह जो आईपीएस ऑफिसर है, चर्चित आईपीएस ऑफिसर है, सहरसा की एसपी, उनकी बेटी, उनका भी नाम का जिक्र है, लता सिंह उनका भी, उनके भी नाम का जिक्र है। तो ये पूरा परिवार पर ये आरोप लगा है और इस आरोप के सफाई का इंतज़ार जेडीयू को रहेगा। क्या वो सफाई पेश करते हैं या नहीं, या सीधे तौर पर कार्रवाई करने की अनुशंसा करते हैं, क्योंकि उस पर का अब वो ना ही किसी पदधारक है, जेडीयू के किसी पद पर नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष को ये पूरी ताकत है, पूरा अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये आधार तैयार कर लिया गया है जिस आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि जेडीयू का कोई भी नेता इस पर, प्रकाश आप बने रहे हमारे साथ, हम जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में जेडीयू के बीच में घमासान सामने आ गया है और आरसीपी सिंह जो सियासी पाला बदलने की तैयारी कर रहे थे उनके खिलाफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है और 2004 से लेकर 2022 के बीच में जो संपत्ति अर्जित की गई है उसका हिसाब किताब मांगा।